पर समय जगत एक संदेश पूरा देश। जिला मुख्यालय सीहोर में तहसील चौराहे पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक धरना प्रदर्शन किया। वहीं केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप भी लगाया। कांग्रेसी नेता अपने संबोधन में बोले, मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्र में कृषि एवं जनधन के भारी नुकसान जैसी संकट की स्थिति में भी केंद्र सरकार की द्वेषपूर्ण व भेदभावपूर्ण नीति, केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीति के कारण देश की बदहाल आर्थिक स्थितियों और देश का सोना विदेश में गिरवी रखने व आर्थिक मंदी और देश के सार्वजनिक विभागों के निजीकरण करने के खिलाफ किया गया धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन में पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक चिमन भाई बेजुड़ा, पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल, पूर्व विधायक रमेश सक्सेना, गोपाल सिंह इंजीनियर, राजीव गुजराती, हरपाल ठाकुर और कई कांग्रेस नेताओं के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और युवाओं के देश होने के कारण युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है, लेकिन जो वादा आज से 5.5 साल पहले उन्होंने कहा था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो वादा धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। कि कितने भी भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद, इनका विरोध हम इस स्तर पर, निचले स्तर पर करें, जब भी वो यहाँ पर आए उनका घेराव करें, उनका प्रदर्शन करें उनके खिलाफ। खबर समय जगत के लिए सीहोर से सतीश सेन की रिपोर्ट। समय जगत एक संदेश पूरा देश।